इमरान खान ने पहली बार जनरल आसिम मुनीर को पैगाम भिजवा दिया। बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ से क्या कहा, सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बानी पीटीआई इमरान खान अडयाला जेल में कैद हैं। उन्हें साइफर केस और तोशाखाना केस में सजाएं सुनाई गई हैं। उनकी अहलिया को भी तोशाखाना केस में सजा के बाद बनीगाला रिहायशगाह को सब जेल करार देकर कैद किया गया है। इद्दत में निकाह से मुतालिक केस में एक बार फिर साबिक चेयरमैन पीटीआई ने सहाफियों से गुफ्तगू की। उन्होंने पहली बार आर्मी चीफ को पैगाम भिजवाया, कहा कि आर्मी चीफ को पैगाम देता हूँ कि आसिम मुनीर इस मुल्क के 25 करोड़ आवाम के बारे में सोचें। तारीख ने आपको माफ नहीं करना, ये मुल्क के मुस्तकबिल की बात है। जिस तरह का इलेक्शन कराने जा रहे हैं, मुल्क की मईशत तबाह हो जाएगी। इमरान खान ने कहा कि मुस्तहकम जमहूरियत के बगैर किसी मुल्क की इकॉनमी ऊपर नहीं जाती। अमरीका और ताकत की गुलामी करना चाहते हैं तो गुलाम का कोई मुस्तकबिल नहीं। असल जहाद पोलिंग एजेंट्स का है। खुदा के वास्ते मुल्क के 25 करोड़ लोगों का सोचो। सियासी इस्तेहकाम ही मईशत मजबूत करेगा।